तो आज की वीडियो में भी हमारे पास बहुत सारे एनिमे अपडेट्स हैं। जैसे आज हम लोग बात करेंगे सोलो लेवलिंग के बारे में, और इसके अलावा अपने साकुमोटो डेज एनिमे को लेकर भी काफी सारी न्यूज आ चुकी है। और इतना ही नहीं, और भी हमारे पास बहुत सारी ह्यूज एनिमे अनाउंसमेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए देखना। और अब साथ ही में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के ऊपर बात करने से पहले यहाँ पे हम लोग बात करें अपने दो कमाल के मांगा आर्टिस्ट के बारे में, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने जुंजी तो और साथ में ब्लैक क्लोवर सीरीज के जो क्रिएटर है यूकी तबाता। तो हमारे इन दोनों ही कमाल के मांगा आर्टिस्ट का बर्थडे है, जिनको आप लोग चाहो तो कमेंट में जाके विश कर सकते हो। और अब हम लोग बात करें अपने मांगा के अपडेट्स के बारे में, जो आता है सबसे पहले अपने ताकेहिको इनोई को लेकर, जो हमारे स्लैम डंक और वेगाबॉन्ड के मांगा क्रिएटर है। तो यहाँ पे इनकी ही एक मांगा सीरीज जिसका नाम है रियल, तो यहाँ पे इस मांगा सीरीज का फाइनली कमबैक होने वाला है, जहाँ पे इसका जो न्यू चैप्टर है वो हम लोग को 8 अगस्त को देखने मिलेगा। और साथ ही में 4 साल बाद हम लोग को इसका एक फर्स्ट न्यू वॉल्यूम भी देखने मिलेगा, जिसका हम लोग को एक कवर पेज भी देखने मिला, जो यहाँ पे जितने भी इस मांगा के फैंस हैं उनके लिए काफी अच्छी न्यूज है। अब वैसे ये तो कुछ मांगा न्यूज है, बट यहाँ पे हम लोग बात करें अपनी एक मानवा की न्यूज के बारे में, जो आता है अपने सोलो लेवलिंग को लेकर। और हाँ, यहाँ पे फाइनली जिस चीज का इंतजार सोलो लेवलिंग फैंस कर रहे थे, अब उनका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे सोलो लेवलिंग की मानवा जो है वो फाइनली कमबैक कर चुकी है। और यहाँ पे इस बार सोलो लेवलिंग की मानवा का सीक्वल जिसका नाम है सोलो लेवलिंग रैग्नारोक, उसके कुल मिला के 13 चैप्टर्स कल रिलीज हो चुके हैं साउथ कोरिया में, जहाँ पे इस मानवा की जो ओरिजिनल स्टोरी थी उसी को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है। और इस सीक्वल के अंदर आप लोगों को संग जिनवू के बेटे संग सोहू की स्टोरी सुनाई जाएगी, जहाँ पे फिलहाल के लिए तो अभी सिर्फ 13 चैप्टर रिलीज हुए हैं, इसलिए आप लोग चाहो तो इन चैप्टर्स को जाके इंग्लिश में भी चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा जब मैं इस मानवा को पढ़ूंगा तो मैं इसका रिव्यू जरूर करूंगा, इसलिए अगर आप लोगों ने सोलो लेवलिंग रैग्नारोक की मानवा को रीड कर लिया है तो आप लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो कमेंट में जाके। और इसके अलावा हम लोग बात करें अपने सोलो लेवलिंग एनिमे फैंस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे सोलो लेवलिंग का एनिमे का भी कमबैक का इंतजार आप लोग कर रहे हो, बट यहाँ पे एनिमे का कमबैक इतनी जल्दी तो नहीं होगा। बट हाँ, यहाँ पे एक अपडेट आया है जिसको सुनकर आप लोग खुश हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सोलो लेवलिंग सीजन 2 के जितने भी एपिसोड्स हैं उन सब एपिसोड की डबिंग कंप्लीट हो चुकी है। और इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे सोलो लेवलिंग सीजन 2 का काम बहुत तेजी से चल रहा है। बट तेजी से काम हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग को सीजन 2 इसी साल देखने मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी एनिमेशन करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए A1 पिक्चर स्टूडियो को यहाँ पे कुक करने देते हैं। और हम लोग बात करें अपने कुछ और भी एनिमे अपडेट्स के बारे में, जैसे हम लोग बात करें क्रिएटर हिगुराशि के बारे में, जो यहाँ पे 2 अगस्त के दिन कुछ अनाउंसमेंट करने वाले थे, और इसी को लेकर उन्होंने कंफर्म किया है कि जो 2 अगस्त के दिन ये अनाउंसमेंट करने वाले अपने प्रोजेक्ट को लेकर, वो यहाँ पे बेसिकली कोई एनिमे का प्रोजेक्ट नहीं होने वाला है। और इसीलिए अगर आप लोग एनिमे की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे तो आप लोग अपनी एक्सपेक्टेशन को अब यहाँ से हटा सकते हो। बाय द वे, कुछ और भी एनिमेज है जिनकी इन्फॉर्मेशन आने वाली है, जैसे यहाँ पे द वर्ल्ड बोज डॉन बिफोर माई फ्लेम्स, ये जो सीरीज है उसकी स्पेशल अनाउंसमेंट 1 अगस्त के दिन की जाएगी। और इसके साथ ही में हनी लेमन सोडा का जो एनिमे है उसकी भी न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 2 अगस्त के दिन रिवील की जाएगी। और साथ ही में आर इंसान का जो एनिमे है उसके यहाँ पे सीजन 2 के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत चल रही है, और यहाँ पे इसका सीजन 2 कंफर्म होगा या नहीं वो तो हम लोग को आने वाले टाइम पता चल जाएगा। और हम लोग बात करें अपने कुछ और भी एनिमे न्यूज के बारे में, जैसे द रेड रेंजर का जो इसका एनिमे आने वाला है, तो उसको लेकर यहाँ पे एक अपडेट जाने को मिला है कि जो इसका एनिमे अडेप्टेशन है वो यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है 2025 के लिए। और इसके अलावा एक न्यू टीवी ओरिजिनल एनिमे भी आने वाला है जिसका नाम होगा नेगेटिव पॉजिटिव एंगलर। तो अगर आप लोग को ये वाला एनिमे देखना है तो मैं बता दूं कि ये इसी साल अक्टूबर के महीने में रिलीज होगा, जहाँ पे इसका एनिमेशन स्टूडियो नट है, और ये वही स्टूडियो है जिन्होंने ब्लू जायंट एनिमे को भी एनिमेट किया था। तो हाँ, आप लोग चाहो तो इस एनिमे को देख सकते हो। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें, जो आती है अपनी एक एनिमे फिल्म, और यहाँ पे ये फिल्म मेरे टाइप की है, और बेसिकली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक हॉरर एनिमे के बारे में जिसका नाम है मोनोकी। तो यहाँ पे ये जो अपनी हॉरर एनिमे है उसको यहाँ पे ट्रिलॉजी मूवी मिली है, जहाँ पे इसकी फर्स्ट मूवी ऑलरेडी जापान के अंदर रिलीज हो चुकी है, लेकिन अब जो इसकी सेकेंड मूवी होगी वो जापान के अंदर 14 मार्च 2025 में रिलीज होगी। लेकिन यहाँ पे फिल्म वगैरह बारे में बात कर ही रहे तो यहाँ पर हम लोग बात करें अपने डेडपुल की मूवी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे डेडपुल और वुल्वरीन वाली मूवी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। बट यहाँ पे बात करें कि इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना किया इंडिया में, तो यहाँ पे इस मूवी के फर्स्ट 4 डेज की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इसने 72.5 करोड़ का कलेक्शन किया है, जहाँ पे सरप्राइजिंगली एक चीज हमें देखने को मिली है, और वो ये है कि हिंदी तमिल और तेलुगु डब से भी ज्यादा कलेक्शन अगर किसी लैंग्वेज ने किया है वो है इंग्लिश ने, जिससे यहाँ पे एक चीज का हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे ओरिजिनल वर्जन ही लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, फिर चाहे वो एनिमे हो या फिर हॉलीवुड की मूवीज। बट चलो इन सब चीजों को साइड में रखे और हम लोग यहाँ पर बात करें इस साल के गोटेड एनिमे के बारे में, जो आता है
जो हमारे सल्लू भाई का ये फेवरेट एनिमी है। बट यहाँ पे सल्लू भाई को साइड में रखो और यहाँ पे मैं आप लोगों को इसके कमाल के विजुअल को दिखाऊं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अपनी जो नोकुटान है उसका हम लोग को चैट लेवल का एक विजुअल देखने मिला है। जहाँ पे बता दूं कि जो विजुअल आप लोग देख रहे हो वो एक्चुअली में अपनी रेनबो मूवी से इंस्पायर्ड है और देख के लगता है कि रेनबो फिल्म का ही हम लोगों को एक पैरोडी एनिमी विजुअल देखने मिला है, जो टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे काफी सही है। बट एनीवेज इन सब के अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में, जो आता है हमारे अनडेड अनलॉक एनिमी को लेकर। और हाँ, फाइनली इस एनिमी को लेकर हमारे पास एक अपडेट आ चुका है और वो अपडेट ये है कि अनडेड अनलॉक एनिमी का हमें एक न्यू सीक्वल देखने मिलेगा और फाइनली इसका जो न्यू सीक्वल है वो अनाउंस तो हो चुका है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर, क्योंकि जो इसका नया सीक्वल होगा वो कोई सीजन या फिर एपिसोड वाइज नहीं होगा, ये यहाँ पे बेसिकली एक 1 आवर स्पेशल एपिसोड होने वाला है। बट यहाँ पे जो 1 आवर स्पेशल एपिसोड होने वाला है वो यहाँ पे एयर होगा विंटर 2025 में। बट इसको यहाँ पे सीक्वल कहना सही है या नहीं वो मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए आप लोग क्या ओपिनियन है कि आप लोग इस चीज के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ में देखा जाए तो यहाँ पे काफी सारे एनिमेस के सीक्वल आते जाते रहते हैं। बट अब हम लोग बात करें अपने टू योर एटर्निटी एनिमे के बारे में, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को रिमाइंडर दे देता हूँ कि जो इसका सीजन 3 है वो भी ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो रखा है। और अब इसका सीजन 3 कब आएगा वो मुझसे मत पूछना, क्योंकि यहाँ पे किसी एनिमे का सीक्वल आने में तो बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है। और यहाँ पे मैं किस एनिमे की बात कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। इसलिए हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में, जो आता है अपना ओशिनोको का एनिमे। तो अगर आप लोग इसका सीजन 2 अभी देख रहे हो तो मैं बता दूं कि इसके सीजन 2 का हमें एक नया की विजुअल देखने मिला है। और इसके अलावा जो इसका 2.5D प्ले आर्क जो होने वाला है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक 17 एपिसोड से। और यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने एक बहुत ही क्रेजी एनिमे न्यूज के बारे में, जहाँ पे कल के दिन जापान और अर्जेंटीना की वॉलीबॉल टीम का मैच था। और गेस करो इस मैच के अंदर सबसे ज्यादा यूनिक चीज क्या थी। यहाँ पे इस मैच के अंदर जो सबसे यूनिक चीज थी वो थी हमारी हाइकू की थीम सॉन्ग, जो यहाँ पे इस मैच के अंदर प्ले हुई थी। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताओ तो यहाँ पे ये वाला जो मैच है वो जापान की टीम जीत गई थी, जिससे हाँ यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे हाइकू की थीम सॉन्ग को लगाना फायदेमंद रहा इन लोगों के लिए। और यहाँ पे हाइकू का थीम सॉन्ग सुनकर यहाँ पे जो प्लेयर्स है उनके अंदर अलग ही जोश आ गया होगा। इसलिए जापानीज वॉलीबॉल टीम को मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन। और हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसको लेकर एनिमे के अपडेट्स तो बहुत ज्यादा कम आते हैं, बट इस बार इस प्लेटफॉर्म ने बैक टू बैक एनिमे का डोज सभी फैंस को दिया है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने प्यारे नेटफ्लिक्स के बारे में, जहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों को बैक टू बैक एनिमेस देखने मिलेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें टर्मिनेटर 0 एनिमे के बारे में, जिसका हम लोग को एक न्यू ट्रेलर देखने मिला है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, जो इसका न्यू ट्रेलर है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मतलब यहाँ पे अच्छी खासी एनिमेशन प्रोडक्शन आईजी ने की है, इसलिए देख लगता है कि काइजू नंबर 8 के स्टूडियो ने यहाँ पे इस एनिमे को अच्छे तरीके से कुक किया है। इसलिए अगर आप लोग इस एनिमे को देखना चाहते हो तो ये 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगा। और इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें, जिसका सीक्वल यहाँ पे 13 साल बाद आ रहा है। और हाँ, कुछ कुछ फैंस तो यहाँ पे 1-2 साल 3 साल का वेट नहीं कर पाते, बट यहाँ पे जितने भी इस एनिमे के फैंस है उन्होंने यहाँ पे काफी लंबा इंतजार किया है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किमी नो टोडोकी एनिमे फैंस के बारे में, जहाँ पे इस एनिमे का जो सीजन 3 है वो लिटरली 13 सालों बाद वापस आने वाला है नेटफ्लिक्स पर। इसलिए अगर आप लोग भी इस एनिमे के सीजन 3 का मेरी तरह इंतजार कर रहे थे तो अब आप लोग इसको नेटफ्लिक्स के ऊपर जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें, जो अपना एक और वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने साकुमोटो डेज एनिमे के बारे में, जिसको लेकर यहाँ पे इस बार बहुत सारी न्यूज आ चुकी है। जैसे सबसे पहले तो इसकी कास्ट को रिवील कर दिया गया है। और यहाँ पे साकुमोटो डेज की जो जैपनीज वॉइस कास्ट होने वाली है उन सारे वॉइस आर्टिस्ट का नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और यहाँ पे एक बात बताऊं तो यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर की वॉइस को चूज किया गया है, यहाँ पे मैं इतना जरूर कहूंगा कि सारे वॉइस आर्टिस्ट एक से बढ़कर एक है। और स्पेशली जो अपने शिन के वॉइस आर्टिस्ट होने वाले हैं वो होंगे अपने माहितो के वॉइस आर्टिस्ट, जिनका नाम है नोबुनागा शिमाज़ाकी, जिन्होंने कितनी कमाल के वॉइस माहितो के दी है वो तो आप लोग जानते होंगे। इस पर सच कहूँ तो यहाँ पे देख के अच्छा लग रहा है कि काफी सही वॉइस कास्ट को यहाँ पे चूज किया गया है। बड़ा सवाल ये आता है कि एनिमे आएगा कहाँ, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि एनिमे और कोई नहीं अपने नेटफ्लिक्स पर ही आने वाला है। और हाँ, यहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों ने ऑफिशियली तौर पे अनाउंस कर दिया है कि ये जो एनिमे सीरीज है वो ग्लोबली तौर पे सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी। इसलिए यहाँ पे जितने भी लोगों के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा लकी है, क्योंकि साकुमोटो डेज एनिमे जो है वो हम लोगों को अगले साल जनवरी में देखने मिलेगा, जिसके लिए मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा। बट यहाँ पे मैं इतना पूछूंगा कि आप लोग साकुमोटो डेज एनिमे के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में आके जरूर बता देना। अब वैसे यहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों ने तो बैक टू बैक काफी कमाल के एनिमे न्यूज दी है, लेकिन इसके अलावा हम लोग बात करें अपने लास्ट न्यूज के बारे में, जो आता है अपने सोनिए को लेकर। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग भी शिनचैन फैन हो तो आप लोग तैयार हो जाओ सोनिए के ऊपर शिनचैन की एक और मूवी को देखने के लिए, जिस मूवी का नाम होगा शिनचैन स्कूल मिस्ट्री द स्प्लेंडेड तेंकासु एकेडमी। तो यहाँ पे यही मूवी हमारे सोनिए के ऊपर 11 अगस्त को दोपहर के 1 बजे आएगी, जो यहाँ पे
के जितने भी शिनचैन फैंस है वो लोग इस मूवी को देखना और मजे करना है। और हम लोग आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो अगर आप लोगों को ऐसी और कमाल की एनिमे न्यूज चाहिए फ्यूचर में भी। तो और मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी अगली वीडियो में। तब तक लिए गुड बाय।